नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, क्लेम पर वीडियो बनाना मेरा शौक भी है। नए नए प्रयोग उसमें मैं करता हूं, नए नए चीज़ें, नए नए अनुभव मैं उसमें देखता हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो अनुभव आपको भी प्राप्त हों, आप भी उन्हें करें। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बात आपके लिए लेकर के आया हूं। पहले बात तो ये समझ लीजिए कि जो क्लेम शब्द है, जो क्लेम बीज मंत्र है, इसमें अगर आप धातुओं की बात करें तो क, ल, बड़ी ई की मात्रा और अनुस्वार यानी अंक की बिंदी, इनके अर्थों में अगर आप जाएंगे तो क धातु का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण यानी प्रेम, कृष्ण यानी योग, कृष्ण यानी कर्म, कृष्ण यानी ज्ञान, संपूर्ण कलाओं से अवतरित श्री कृष्ण को ये क धातु रिप्रेजेंट करता है। ल का जो अर्थ है वो विश्वानंदिनी राधा, कृष्ण प्यारी राधा, और न जाने कितने नामों से उन्हें जानते हैं, उनको प्रदर्शित करता है। ई की जो मात्रा है वो उनके संयुक्त प्रेम को प्रदर्शित करती है। ई लगाने का मतलब आपने कृष्ण और राधा को संयुक्त कर दिया, तो उनका संयुक्त अर्थ हो गया। संयुक्त अर्थ का मतलब है प्रेम, और दूसरा हो गया समर्पण, राधा का समर्पण कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का समर्पण राधा का प्रेम। और अब अंतिम जो उसमें धातु है वह अनुस्वार यानी अंक की बिंदी, ये बताती है आकर्षण को, अंग यानी आकर्षण। ये कामदेव का प्रतीक है। कामदेव का अर्थ आप गलत रूप में न लें, उसका अर्थ है आकर्षण, यानी राधा प्रेम का, जो राधा और कृष्ण के संयुक्त प्रेम में जो आकर्षण है, ये क्लेम मंत्र उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके जीवन में ये ध्यान के माध्यम से जाता है ये अर्थ, तो आप समझिए आपका संपूर्ण जीवन प्रेम, शांति, योग, कर्म, कर्तव्य और जितने भी मानवीय गुण हैं उनसे सबसे ये भर जाएगा। आपको करना क्या है, क्लेम ध्यान के लिए समय का चुनाव कर लें आप, या तो रात्रि में करें, 12 बजे कर सकते हैं, 11 के बाद कर सकते हैं, या प्रातःकालीन बेला में सुबह 4 बजे। इस ध्यान का और किसी समय कोई अर्थ नहीं है। जो लोग सुबह उठने के आदि हैं या उनको सुबह उठना अच्छा लगता है, या जो मैनेज कर सकते हैं सुबह उठना, या जो लोग रात्रि में जगना मैनेज कर सकते हैं, वो दोनों लोग इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना, घी का दीपक एक जला लीजिए, पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाइए और
आजकल चूंकि योग मनुष्य के जीवन में, सभी मनुष्यों के जीवन में हर एकदम बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी होती हैं, तो आप बस सीधे बैठ जाइए, पद्मासन या किसी और विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको केवल श्वास क्रिया पर ही ध्यान देनी है। श्वास को गहरा खींचिए, अंदर भरिए श्वास को, इस तरीके से अंदर भर लीजिए आप फेफड़ों में सांस को, और फिर आपको क्लेम को बोलना है इस तरीके से, और इस पूरे समय में, इस पूरे दौरान आपको यह अनुभव करना है कि जो क्लेम का ध्वनि बिंदु है, जो साउंड पॉइंट है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और सहस्त्रार पर जाकर के जब श्वास पूरी बाहर आ जाए, सहस्त्रार पर जाके वो रुक गया, वहीं पर श्वास को रोक लीजिए, जितना देर तक श्वास को रोक सकते हैं। अब क्लेम की ध्वनि बंद हो गई, श्वास को आपने वहीं पर रोक लिया, जितना अधिक रोक सकते हैं, और उस समय में क्लेम का, राधा कृष्ण के युगल जोड़ी का अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव कीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ भावों के बीच में स्थान पर आप उस प्रतिकृति का, उस मूर्ति का जो उनकी युगल जोड़ी है, उसका अनुभव अपने आज्ञा चक्र पर कीजिए जितनी देर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से श्वास को छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर से दोबारा सांस लीजिए, फिर वही क्लेम की ध्वनि को उच्चारित कीजिए, नीचे से रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर तक ले जाइए, आज्ञा चक्र पर यहाँ पर सहस्त्रार पर रुक जाइए, और जितनी देर तक श्वास को रोके रह सकते हैं रोके रहिए, और आज्ञा चक्र पर भौहों के बीच में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर उस छवि को ध्यान कीजिए, उस छवि का ध्यान कीजिए कि राधा कृष्ण किस प्रकार से रासमग्न हैं, या बहुत प्रेम के अतिरेक में आकंठ डूबे हुए हैं, उस छवि को ध्यान कीजिए और पुनः श्वास को बाहर छोड़िए। ये आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, प्रारंभ में 11, 21 से लेकर के 108 बार तक आप इसे ले जा सकते हैं। इस पूरे प्रयोग के बाद आप ये अनुभव करेंगे बहुत जल्द ही कि आपके आज्ञा चक्र पर भी एक अलग सा प्रभाव हो रहा है, वहाँ से पॉजिटिव रेस, वहाँ से आकर्षण की तरंगें आपके ऑरा में शामिल हो रही हैं, आपके ऑरा को बढ़ा रही हैं, और वो आपके आसपास आने वाले जितना भी समूह है लोगों का, उन सभी को प्रभावित कर रही हैं, और आपको एक उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर रही हैं, शांति समृद्धि और सुख के मार्ग पर धीरे धीरे ले जा रही है। तो इस प्रयोग को करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर लिखिए और हमें बताइए कि अब आपको किस दिशा में वीडियो चाहिए। अगला वीडियो क्लेम पर नहीं बनाऊंगा, अगला वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो पूजा नहीं करते या पूजा नहीं कर पाते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं इसकी वजह से उनका टाइम टेबल ठीक नहीं है, समय सारणी उनकी गड़बड़ है, तो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जो नित्य कर्म है पूजा का नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो पूजा करना ही नहीं चाहता, तो आखिर वे क्या करें। सभी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो सभी ध्यान करें या योग करें या मंत्र जप करें या भगवान के विग्रहों की सेवा करें, सभी के लिए ये आवश्यक भी नहीं है और सभी के लिए ये संभव भी नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करें जो पूजा नहीं कर सकते, तो इस अगले वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो निरंतर जुड़े रहिए धर्मरेश विद डॉक्टर राजेंद्र स्प्रे के
साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।